ये है वर्ल्ड का सबसे हल्का लैपटॉप। ये है सैमसंग का नया गैलेक्सी बुक। ये है तो एक लाइट लैपटॉप और इसमें हैवी गेम चलाएंगे, देखेंगे भाई चला पाता है कि नहीं। हमने बहुत सारे लैपटॉप अनबॉक्स करके, बड़े छोटे गेमिंग वाले टच वाले, इसमें लिखा हुआ इंटेल इनसाइड। मेरे को तो लगा लैपटॉप है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई भाई, ये व्हाइट डब्बे के ऊपर व्हाइट में क्यों गैलेक्सी बुक लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में लिख देते। यहाँ पे हमारा लैपटॉप बनाओ बहुत ही पतला हल्का। मेरे को थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भाई तो काफी ज्यादा हल्का है। ये नहीं, ये ओ भाई, अच्छा ये तो इससे ही हल्का है। ये है वो थिन एंड लाइट लैपटॉप, उंगली से पकड़ के ऐसे सीधा भी खड़ा कर सकता हूँ भाई। और क्या दे रखा है, वो सुपर फास्ट चार्जिंग। ये चार्जर भी काफी कॉम्पैक्ट, और यूजुअली होता क्या है ना, लैपटॉप के चार्ज में 3 पिन वाला आता है, इसमें डबल पिन वाला ही है। मैं लैपटॉप और चार्जर को कंबाइन में कर दूं ना तो भी ज्यादातर लैपटॉप ज्यादा हल्का है। क्विक स्टार्ट गाइड हमको चाहिए नहीं, क्विक स्टार्ट भाई जल्दी का काम शैतान का। हम शैतान दौड़ा यार, हम तो एंजल है। अब जैसे कोई भी आप नॉर्मल लैपटॉप उठाओ, ऐसे आप दो हाथ आपके जाएंगे आप उठा लोगे, बट इसको बुरा लग जाएगा यार, ये बना ही एक हाथ से उठाने के लिए। ये लैपटॉप अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, और ये है 1 kg का वेट, ये एक एक्चुअल लेंस है जो हम वीडियो में यूज करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा भारी, ये पानी की बॉटल, ये हमारा लैपटॉप, ये मेरा 2.5 किलो का, 2.5 किलो का हाथ के सामने क्या है यार। और भाई अब क्या असली टेस्ट, ऊपर की साइड पे यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है, टॉप की साइड एक मेटालिक फिनिश है, और नीचे की साइड पे भी एल्यूमिनियम है। यहाँ पे नीचे रबर के ऐसे लगा रखे हैं, ऊपर की साइड थोड़े बड़े, नीचे की साइड थोड़े छोटे, आराम से ऐसे रखा जाता है। और मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो बहुत ही ज्यादा हल्का और बहुत ज्यादा पतला है, पर तब भी इसके अंदर एक फुल HDMI का पोर्ट है। HDMI का पोर्ट ऑलमोस्ट बस फिट आ पा रहा है। मैं अगर ऐसे खोल के दिखाऊं तो हेडफोन जैक का जितना होता है उतना पतला है इसका नीचे वाला बॉटम वाला है, और जब एक्चुअली इसको हाथ में पकड़ दो कुछ भी नहीं पता चलता, ये हवा से हल्का लैपटॉप है। अगर मैं थोड़ी थिकनेस दिखाऊं, ये हमारी डबल ए बैटरी है, और ये इससे डबल मोटी लग रही है। ये जो USB कनेक्टर आता है ना, ये भी ऑलमोस्ट बराबर है हल्का सा पतला लैपटॉप से। ये वाला एक स्मार्टफोन है और ये एक लैपटॉप है। इस वाले लैपटॉप का वेट 870 ग्राम है। कुछ 13 इंच की जो टैबलेट आती है वो इससे ज्यादा भारी होंगी। सीधी बात बता दूं, देखो हल्का मतलब अच्छा नहीं होता, और हल्का लैपटॉप बनाया जा सकता है, उसके अंदर कुछ मत डालो, मोबाइल का प्रोसेसर लगा दो, एक स्क्रीन लगा दो, पर एक तगड़ा हल्का लैपटॉप बनाना जो एक्चुअल गेम खेल पाए, नेक्स्ट लेवल चीजें कर पाए, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका बड़ा भाई हमने ट्राई कर रखा, वो उलट पलट गया था, उसकी टच स्क्रीन थी तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा वेट ज्यादा था। देखो ये हल्का है तो क्या होगा, हम इसमें हैवी ड्राइवर वाली गेम खेले तब असली सच पता चलेगा। सबसे पहली चीज जो इसका डिस्प्ले वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। मैंने बहुत महंगे महंगे लैपटॉप्स ट्राई करे, बट ये अभी तक का मुझे बेस्ट लैपटॉप डिस्प्ले लगा है। और इसमें जैसे कि देख सकते हो जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। ये ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, भाई ऐसा लग रहा है मतलब बस बाहर आके नहीं दिख रहा है। अगर इस डिस्प्ले को मैं किसी एक मोबाइल के डिस्प्ले से भी कंपेयर करूँ ना तो उसको भाई डेफिनेटली टक्कर दे देगा। एक 13.3 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में जैसे भी कर लू, इसका डिस्प्ले एकदम कलरफुल और ब्राइटर है। भाई मुझे आज पता चल रहा तारक मेहता बहुत तगड़ी क्वालिटी में बना हुआ था। जेठा जी ने ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट पहन रखी है भाई, थोड़े दिन में ओवरलेस की बना देंगे, टेंशन मत लो आप। देखो बुक नाम रखा गया, किताब की असली पहचान है उंगली पे जब तक ना घूम पाए तब तक क्या किताब। ये लैपटॉप काफी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, आपको बैग में डाल के ऑफिस लेके जाना, कॉलेज लेके जाना, स्कूल लेके जाना है। और छोटी छोटी चीजें जैसे एक हाथ से आप इस लैपटॉप को ऐसे खोल सकते हो। यहाँ पे टॉप राइट में आप देखोगे तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऊपर की साइड पे एक छोटा सा कैमरा भी है। जो कीज है वो एकदम अंदर तक नहीं जा रही है, बड़े काफी क्लिकी सा कीबोर्ड है, थोड़ी सॉफ्ट सी प्यारी सी आवाज है। मेरे को आजकल एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, ऑटो ब्राइटनेस वाला कीबोर्ड। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, मेरे को ऐसे हल्के लैपटॉप पसंद आते हैं, और ऑल्दो काफी पतला हल्का है बट इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है। ये ट्रैक पैड है, ये एक्चुअल ग्लास का है, तो काफी अच्छे से काम कर रहा है, मतलब काफी हद तक स्मूथ है। जैसे पतले लैपटॉप बनाते हैं इसमें एक चैलेंज आता है, फास्ट चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलती, और जो बैटरी होती है क्योंकि इतना पतला है तो इससे थोड़ी सी कम रहती है। इस वाले में जो साथ में चार्जर मिल रहा है, एक 65 वॉट का चार्जर है, और हमने इस वाले लैपटॉप को 1 घंटा चलाया और इसकी खाली 15% बैटरी हम खर्च कर पाए थे, जो इस टाइप के लैपटॉप के से भाई बड़ी बात, मतलब डिसेंट हेवी टास्क हमने करे थे। ऊपर की साइड बहुत पतला था, एक छोटा सा कैमरा लगा रखा है भाई, कैमरा टेस्टिंग भी करना इंपॉर्टेंट है भाई, कैमरे की। ये हमारा लैपटॉप है, हमें हमारी शूटिंग चल रही है। हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप, और फीचर्स हैं जैसे ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट हो जाता है, बैकग्राउंड वाले इफेक्ट भी है भाई, ब्लर कर दिया भाई, ग्रीन स्क्रीन बना देंगे हम, फेस इफेक्ट भी है भाई, फेस इफेक्ट भी है भाई, स्मार्ट तो लग रहा हूं मैं। नहीं भाई इसमें फोकस भी है, देखो सारी चीजें चलती रहेंगी, बट जेठा जी का जो प्यार है। सबसे पहली चीज जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे नीचे की साइड में, तो अगर आप ऐसे रखते हो तो आवाज पूरी नीचे नीचे की तरफ जाती है। स्पीकर्स एकदम साइज थोड़ा पतला है तो इसके से ज्यादा लाउड नहीं है, थोड़े और बेटर हो सकते थे। डब्बे में भाई फ्रंट में लिख दिया MS Office, सब कुछ डाल दिया। ये वाला जो लैपटॉप हमारे पास है इसमें 2 वेरियंट्स आते हैं, एक i5 वाला वेरियंट आता है, एक i7 वाला वेरियंट आता है। हमारे पास i7 प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज। हमने इसको डे टू डे टास्क में काफी ज्यादा यूज करा, कहीं पे भी हमको डिले या फिर लैग बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। इस पे एक एक करके सारी चीजें टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले प्रीमियर प्रो,
जैसे कि देख सकते हो भाई, हम टाइमलाइन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिले या लैग नहीं फील हो रहा है। इफेक्ट रेट डालने के बाद भी प्लेबैक काफी हद तक स्मूथ है और कलर ग्रेड भी बढ़िया दिख रहा है। हम गेमिंग करके देखेंगे तभी असली परफॉर्मेंस टेस्ट होगी। सबसे पहले हम चलाएंगे भाई बेन 10। दिस इज बेन 10 पावर ट्रिप्स। ये आम बच्चा देखो कैसे हो गया बेन 10। वैसे गेम इतनी कुछ हैवी नहीं है बट बिना फ्रेम ड्रॉप्स और लैग के चल रही है। नेक्स्ट हम खेलेंगे ओरी। जब ना खरगोश उछलता रहता है इधर उधर मारना रहता है, तो हमने जैसे कि देख सकते इतना ज्यादा लाल दिख रहा है यार, कलर बस भारी आ जाए। मैं छोड़ रहा हूँ सारी चीजें, करो ये सारी बैटरी के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कनेक्टेड नहीं है पावर सोर्स से, तब भी जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक स्मूथ और स्टेबल है। अब द रियल गेम्स भाई, अब हम चलाएंगे फोर्स। भाई पानी की रिफ्लेक्शन देखो भाई, असली लग रहा है। ये एक्चुअली काफी हैवी गेम है और वैसे जो ग्राफिक्स है हमने लो पे कर रखे, अभी हल्के बोलिए फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। लो सेटिंग में मतलब खेल सकते हो, थोड़ा इंजॉयबल कम रहेगा एक्सपीरियंस। वेरी लो कर देते हैं ग्राफिक्स, ऑल्दो ग्राफिक्स हमने वेरी लो पे कर रखे हैं, बट जो डिस्प्ले है उसमें HDR सारी चीजें दिख रही है, तो काफी तकड़ा लग रहा है। ये पीछे साइड पे फैन चल रहा है, आपको आवाज आ रही है हल्की, बट बैक साइड पे आपको हल्का वार्म फील होगा, जो वैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई भाई, गेम चलाने के बाद लैपटॉप हो ही जाता है हल्का। बट सैमसंग ने इसके सॉफ्टवेयर में भी काफी सारे नए नए फीचर्स ऐड कर रखे। हमने इसके बड़े भाई की वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये सारे फीचर्स थे। इसमें क्विक शेयर है, जिससे आपको सैमसंग के मोबाइल से डायरेक्टली ट्रांसफर करनी है फाइल्स, वो काफी सीमलेसली हो जाती है। इसमें एक प्राइवेट शेयर करके ऑप्शन है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। बेसिकली होता क्या, फाइल अगर भेजते हो तो एक कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाती है और ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। लिंक टू विंडोज करके एक फीचर है, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। जो ईयरफोन्स है उनमें भी एक स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर है, तो आपके लैपटॉप फोन में ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट स्विच हो जाता है। मल्टी कंट्रोल वाला फीचर भी, जिसमें एक्चुअली इसके टच पैड को यूज करके आप टैप को कंट्रोल कर सकते हो। स्टूडियो प्लस एप्लीकेशन सैमसंग की अपनी तरफ से, वो फ्री में आ रही है, तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इसका जो आई5 वाला वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 1,06,990 रुपए, बस 5,000 का कार्ड का डिस्काउंट दिख रहा भाई को, और हजारों में आप गैलेक्सी बड्स भी खरीद सकते हो। देखो मैं एकदम सीधे बताता हूँ, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। i5 12th जनरेशन मोटे मोटे लैपटॉप्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है 80,000 के अराउंड प्राइस ब्रैकेट में, बट आप इस फॉर्म फैक्टर का कोई भी थिन एंड लाइट लैपटॉप लेने जाओगे तो इन लैपटॉप्स की 1,00,000 के अराउंड ही प्राइस ब्रैकेट रहती है। और जिन लोगों को एकदम लाइट वेट, अच्छे पतले हल्के तगड़े डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स पसंद है, उनको ये लैपटॉप भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं ज्यादा गेम खेलता नहीं, मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखना, गूगल डॉक्स वॉक्स पर अपने काम वाम होते हैं, उन सब कामों के लिए मैंने इसको यूज करा और मुझे काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगा। तो इस वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय। फ्राइडे।